एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सिखा आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सिखा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपके सामने दो कुर्ता सेट दिखाऊंगी, एक कुर्ता सेट और एक कुर्ता लेके आई हूँ। बट एक जो कुर्ता है वो बिल्कुल कुर्ता सेट के बराबर है। वो कैसे, वो आपको मेरी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है मेरे चैनल पे अभी फेस्टिवल सीरीज का वीडियो चल रहा है, तो ये फेस्टिवल सीरीज का वीडियो का ही एक पार्ट है। तो एक मैं आपको एक बेसिक कुर्ता सेट दिखाऊंगी जो कि सेम सारा अली खान ने पहना हुआ है। तो मैंने इसलिए उसे पिक किया और वो बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन भी लगा मुझे, और प्राइस वाइज देखा जाए तो वो बेस्ट है। सेकंड में एक फेस्टिवल कुर्ता आप लोग के सामने लेके आई हूँ, जिसे मैं एज ए पूरा होल कुर्ती प्लाजो सॉरी सिगरेट पैंट और दुपट्टे के साथ कैसे मैंने उसे पहना है ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बहुत बातें होगी। सबसे पहले कुर्ते की बात कर लेते हैं। तो ये एक मैक्स ब्रांड का कुर्ता है, देख सकते हो मैक्स, और इसका स्लीव्स बहुत प्यारा है और इस पे बड़ा सा पोल्का डॉट टाइप का डॉट डॉट बना हुआ है। और ये इस तरह की ऑरेंज कलर की कुर्ती है, इस पे गोल्डन और रेड कलर से आपको मिल जाएगा फॉयल प्रिंट कह लो इसे, या फिर सिर्फ प्रिंट भी बोल सकते हो। और बहुत प्यारी कुर्ती लगी थी मुझे, और ये अभी जो फेस्टिवल आने वाला है उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और बहुत एकदम प्योर कुर्ती है, प्योर कॉटन की कुर्ती है ये, और लेंथ भी बहुत अच्छी है इसकी। अब देखो, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे टू डिफरेंट वेज में स्टाइल किया है। एक जींस के साथ भी आपको देखने को मिल जाएगा और एक पूरा सिगरेट ट्राउजर और दुपट्टे के साथ भी मिल जाएगा। तो आप वो लुक आप पहले देखो, देन फिर मैं आपको बताती हूँ इसका प्राइस। आई होप आपको ये दो जो मैंने डिफरेंट लुक ट्राई किया था वो अच्छा लगा हो, और इसलिए मैंने इस कुर्ते को पिक किया था कि मुझे जैसे होता है ना कि दुर्गा पूजा भी है या कोई फेस्टिवल भी है तो आप ज़्यादातर प्रिफर करते हो जींस के साथ कुर्ती को पहनना, क्योंकि वो बहुत इजी टू कैरी है। मैं जैसे दुर्गा पूजा के पंडाल में इस टाइम जो इस बार का जो हाल है वो तो शायद मे बी ही कोई पंडाल में जाना नहीं पसंद करे, और जो अभी ये पेंडेमिक जब तक ख़त्म नहीं होता ना तब तक तो कोई फेस्टिवल का मज़ा नहीं है। पर हाँ, छोटा मोटा तो होना ही है, हमारे जैसे हमारी सोसाइटी में बातें चल रही हैं उस तरीके से, तो हम ऐसा लगता है कि नीचे जींस डालो और ऊपर कोई खूबसूरत सी कुर्ती हो आपके पास, तो ऐसे जो कुर्तियाँ होती हैं ना वो आप मतलब बहुत अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो। मैंने तो दो तरीके से इसमें दिखाया है, अगर आप बताओ बोलोगे तो मैं इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके में कैसे स्टाइल कर सकते हैं उसका वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये दोनों स्टाइल तो मुझे बहुत क्यूट लगा, और आप सबके पास मुझे पता है कि मैंने ये बनारसी दुपट्टा यूज किया है, इसे मैंने अमेजोन से लिया था, इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डाल दूंगी। वैसे आप सोचोगे कि उस पर रेड कलर का प्रिंट है तो मैं रेड दुपट्टा ले सकती थी, पर जो ये भी एक आप कर सकते हो उसके साथ रेड कलर का सिगरेट ट्राउजर और रेड बनारसी दुपट्टा भी ले सकते हो। मैंने पिंक इसलिए लिया है ना कि जो ऑरेंज कलर होता है ना उस पर पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक अच्छा लुक आता है दोनों का, इसलिए मैंने ट्राई किया पहले पिंक ट्राउजर और पिंक दुपट्टा के साथ। वैसे अभी मेरा बनारसी जो पिंक दुपट्टा है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए भी मैंने ट्राई किया पिंक वाले के साथ। अगर आपके पास रेड सिगरेट ट्राउजर और रेड बनारसी दुपट्टा है तो आप उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो, और एक फिर ये पूरा फेस्टिवल का एक कुर्ता सेट बन जाता है आपके लिए, वो भी 499 में। 499
हम सबके पास बनारसी दुपट्टा होना ही चाहिए, क्योंकि बनारसी दुपट्टा एक ऐसा दुपट्टा है ना जिसे आप फेस्टिवल पे शादियों में किसी भी ड्रेस के साथ ले लो तो एक वो पूरा फेस्टिवल टच और एक शादी टच दे देता है। तो अब ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके अमेजोन पे ले सकते हो, बहुत सस्ता आता है, उससे भी सस्ता मीशो पे आजकल अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके एक बनारसी दुपट्टा पिक कर सकते हो। रेड कलर का ले लो, सब पे चलता है, मेरे पास रेड और पिंक दो बनारसी दुपट्टे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो सेकेंड कुर्ता है उस पर। तो ये है वो कुर्ता सेट जो मैंने सारा अली खान का लुक देख के मंगवाया था, मैंने उसे पहने देखा था तो काफ़ी अच्छा लगा था और इसका रिव्यू बहुत अच्छा था। और जैसा रिव्यू था, जैसा इसको मॉडल ने पहना हुआ था, ये सेम वैसे ही आया है और कलर कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत प्यारा है। चलिए देखते हैं। ओह सॉरी, एक्चुअली मेरे पास इस तरह का प्रिंटेड कोई भी कुर्ता सेट भी नहीं था, ये भी एक वजह है मंगवाने का। तो पता है इसके स्लीव्स बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल यहाँ तक आपको आएंगे और आप देख सकते हो वीडियो में मैंने। और ये यहाँ पे इस पे पोटली बटन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लेंथ है। और इसे भी आप जींस के साथ भी पहन सकते हो, और आपके पास ट्राउजर तो हैं ही वैसे अगर आपकी मर्जी तो। इसके साथ ये सबसे अच्छा मुझे यही लगा, इसका ट्राउजर बहुत अच्छा ट्राउजर दिया है, बहुत अच्छा प्रिंट है इसका, बहुत अच्छा लुक आ रहा था दोनों को साथ में पहने में। इलास्टिक है थोड़ा इसका, इलास्टिक मुझे पहनने पे थोड़ा टाइट लगा, और क्योंकि कुर्ते का लेंथ मुझे कुर्ते का जो साइज था वो बिल्कुल परफेक्ट आया, लेकिन ट्राउजर कुर्ते के हिसाब से थोड़ा टाइट लग रहा था मुझे। तो ये था मेरा कुर्ता सेट जो मैंने अमेजोन से मंगाया था, और ये 500 समथिंग का है। दोनों मुझे 500 to 600 के बीच में ही पड़ा था, तो काफ़ी अच्छी डील है ये। तो मैं बोलूँगी कि ये दोनों जो मैं इस बार दिखा रही हूँ ना आपको, दोनों मैं आपको हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ, क्योंकि बेस्ट प्रोडक्ट है अमेजोन पे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इसका कपड़ा है ना, ये मुझे तो कॉटन लग रहा है, धोने के बाद कोई मिक्स भी नहीं लग रहा है, मुझे प्योर कॉटन लग रहा है। अब तो धोने के बाद पता चलेगा कि इसका क्या हाल चाल है। तो ये था मेरा दो कुर्ता सेट, सॉरी एक तो कुर्ता था, दूसरा कुर्ता सेट था। तो आप देख सकते हो वीडियो कितना अच्छा लुक आया है इसका, जो कुर्ता मैंने सेकंड वाला कुर्ता सेट आपको दिखाया उसका, और सेम हूबहू कुर्ता सेट सारा अली खान ने पहना था। तो आई नो कि वो थोड़ा डिफरेंट होगा, उसने अपने डिफरेंट किसी ब्रांड से लिया होगा, पर लुक वाइज ये बिल्कुल सेम है। अब मैं यहाँ सारा अली खान वाला फोटो लगा दूंगी, आप देख सकते हो सेम, बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं था। तो मुझे अच्छा लगा एक बार किसी सेलिब्रिटी को पहने में देखते हो तो अच्छा लगता है जो आपके पास भी हो। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरा वीडियो और फोटो एंजॉय करो और मुझे इजाज़त दो। जल्दी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो शूट करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तब तक मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी, आप वीडियो को देखोगे और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे, जो भी मैं आपको दिखाती हूँ वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो उससे पहले आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो करती हूँ, ताकि जैसे मैंने आज मंगवाया और मैं उसे 15 दिन बाद आपको दिखा रही हूँ ना, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको भी यही करना है, जल्दी से मेरे वीडियो को देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है, फटाफट ऑर्डर कर देना है आपको जो भी पसंद आता है। तो अब हो गई ज्ञान की बातें, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।